नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईआईटी जेई 2003 का क्या कह रहा है। इन अ ट्रेंगल ए बी सी मीडियंस ए डी एंड बी ई आर ड्रॉन इफ ए डी इज इक्वल टू 4 एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 5/6 एंगल ए बी इज इक्वल टू 5/3 देन द एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी इज। तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसी पे बेस्ड डायग्राम हम लोग बनाएंगे और डायग्राम बना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि एक ट्रेंगल है मेरे पास ए बी सी, ए बी सी मैंने ये ट्रेंगल बना दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ए डी एक मीडियन है और बी ई एक मीडियन है। मीडियन का क्या काम होता है कि ये साइड्स को दो इक्वल भागों में विभाजित करता है। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि ये पी है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आगे क्या कह रहा है कि एंगल डी ए बी, जो एंगल डी ए बी है वो गिवन में है कि वो पाई बाई सिक्स है यानी 30 डिग्री है, और एंगल ए बी ई वो पाई बाई थ्री है, ए बी ई वो पाई बाई थ्री है यानी 60 डिग्री है। जब ये 60 है ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये 90 हो जाएगा। अब जब ये 90 हो गया तो काफ़ी कुछ मेरा काम आसान हो गया। दूसरे पॉइंट यहाँ ये कह रहा है कि ये जो ए डी है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो लेंथ है वो 4 है, ये मुझको गिवन में है। तो एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी बताइए क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन रेशियो 2:1। जो मीडियन है वो ए बी सी को, ये मीडियन जो है वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2:1 में अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसका हम भरपूर लाभ उठाएंगे। तो ए पी, ए पी और पी डी ये मीडियन है जो कि इस मीडियन को दो भागों में विभाजित किया है ए पी और पी डी में। तो ये स्टेटमेंट थ्योरम क्या कह रहा है, क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े थे, ए पी अपॉन पी डी 2/1, ठीक है, ये 2/1 हो गया। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि क्या दिमाग लगाऊँ कि मेरा ये आसानी से हो जाए, ये कर सकता हूँ कि पी डी अपॉन ए पी ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है इसका उल्टा कर दूँ। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर प्लस 1 जोड़ दूँ, पी डी अपॉन ए पी प्लस 1 हाफ प्लस 1, तो ये पी डी प्लस ए पी अपॉन ए पी दिस इज 1+2/2। तो पी डी और ए पी को जोड़ूंगा तो ये ए डी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन ए पी क्या आ गया, दिस इज ये हो गया मेरा 3/2, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए पी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 2/3। इसका फिर से उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों किया सर उल्टा आपने, क्योंकि मुझको ए डी, ए डी जो है 4 गिवन में है, तो ए पी मैं निकाल सकता हूँ 2/3 ए डी, और ए डी की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू 8/3। तो ये ए पी की वैल्यू हो गई 8/3। अब जब मुझको ए पी की वैल्यू 8/3 पता चल गई तो मैं पी डी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो पी डी मेरी क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू है मेरे पास 4, इसमें मैं ए पी की वैल्यू घटा दूंगा तो 4-8/3, तो 4 3 12 12-8 यानी 4/3, यानी पी डी की वैल्यू भी मुझे मिल गई 4/3। अब जब पी डी की वैल्यू मिल गई, यहाँ मैं लिख दूँ कि पी डी की वैल्यू 4/3 है, ए पी की वैल्यू 8/3 है, ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रेंगल में देखिए, इन ट्रेंगल ए बी पी, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी पी, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से टेन 60 डिग्री क्या हो गया, यानी टेन थीटा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी ए पी अपॉन बी पी। अब बी पी कितना हो जाएगा, ए पी अपॉन टेन 60,
एपी मेरा क्या है 8/3, टेन 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, हमें पता है टेन 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो मैंने √3 लिख दी, यानी बीपी की वैल्यू मुझे मिल गई 8/3 √3, ये मिल गई, ये मेरी बीपी की वैल्यू हो गई। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आसानी से मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू हाफ बेस बीपी इनटू हाइट एडी, तो ये हाफ बीपी कितना है मेरे पास 8/3 √3 और एडी कितना है गिवन में जो कि 4 है एडी, तो ये मैंने 4 लिख दिए, तो ये 2 बार में तो 16/3 √3, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हो गया मेरा 16/3 √3। अब हमें ये पता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एडी मीडियन है और ये एबीसी ट्रायंगल है तो ये एडी इसको विभाजित करेगा दो इक्वल भागों में, दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ये जो है दोनों इक्वल होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एबीसी मुझे मिल जाएगा, और मुझसे यही पूछा है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी एबीडी के बराबर है तो ये हो जाएगा 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, यहाँ लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, और ये मैं निकाल चुका हूँ 16/3 √3, तो ये हो जाएगा 32/3 √3, तो यानी इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी इज द करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन हल हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, और उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव सकारात्मक मार्ग पर चलें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।